गुड इवनिंग, आई एम अनिल अग्रवाल, फॉर्मर चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक. सो टुडे इज लास्ट डे ऑफ नवंबर. एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग रिजल्ट इन द मंथ ऑफ नवंबर फॉर एसबीआई जूनियर एसोसिएट, बट स्टिल ओनली फ्यू आवर्स आर लेफ्ट, रिजल्ट हैज नॉट कम. मैनी कैंडिडेट्स आर आस्किंग सर वट इज फर्दर अपडेट ऑन दिस. In fact, no information is emerging, but one trend is visible. That trend is, I think, all institutions are deliberately delaying the result as well as joining of candidates just to save cost. In CRP 9, we have observed the after declaration of result in the month of May, number of banks have taken months to call the candidates for DV and joining, and still one or two banks are left, those have to allow joining of candidates. I think this COVID situation is forcing banks to replan their things, so there is nothing unusual. So don't fall prey to any rumors whether result will come or not, whether it will be scrapped, whether vacancies will be there or not. I don't think there is any such reason. It is a normal delay and a deliberate attempt to save the cost. Because earlier they will declare the result, earlier they will recruit the people, they have to bear the cost. This may be one thought. Second reason can be they are not able to compile the result, but some people say result is already compiled. So nothing definite is emerging, and as there was lot of anxiety in you, I am putting this video, but there is no confirmation about the time and date of result. So it is better we should focus on future examination. As and when some information will emerge, I will definitely share with you. Ab yahi baatein hum Hindi mein karenge. जो अर्लियर इंफॉर्मेशन थी उसके अनुसार नवंबर में रिजल्ट एसबीआई जूनियर एसोसिएट का आ जाना चाहिए था, पर नहीं आया. अब काफी लोग चिंतित हैं, पूछ भी रहे हैं कि सर क्या हुआ, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा. मगर अगर हम पिछले कुछ महीनों की डेवलपमेंट्स देखते हैं तो उससे एक चीज आभास हो रही है कि ऑर्गेनाइजेशन डेलिबरेटली इन प्रोसेस को डिले कर रहे हैं. सीआरपी 9 का रिजल्ट टाइम से मई में आ गया था. उस समय समझ में आ रहा था कि रिजल्ट डिलेड है, पर उसके बाद जो ज्वाइनिंग हुई कई बैंकों में अक्टूबर में जाके हुई, कई नवंबर में हुई, कई दिसंबर में होगी, अभी कई बैंकों में जनवरी में होगी, तो कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि बैंक्स कॉस्ट सेविंग के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस को डिले कर रहे हैं. और हो सकता है स्टेट बैंक भी, जो पहले अर्ली ज्वाइनिंग के लिए प्लान कर रहा था, वो टाइम गेन कर रहा हो. ये एक थॉट है, कोई कंफर्मेशन नहीं है. सेकेंड थॉट क्या हो सकता है कि रिजल्ट ही ना तैयार हुआ हो, पर कुछ लोग कह रहे हैं रिजल्ट तैयार है, कोई कंफर्म न्यूज किसी के पास नहीं है. तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? मेरा मानना यह है कि र्यूमर्स पे जाने की बजाय कि रिजल्ट आ नहीं रहा, ये हो गया वो हो गया, हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें. जब रिजल्ट आएगा रिजल्ट आ जाएगा, और अगर कोई भी सूचना मुझे मिलती है तो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा. एज ऑन डेट जिन भी लोगों ने पास्ट में खबर दी है उनके पास भी कोई खबर नहीं है. तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि भाई आज ही आ जाएगा रिजल्ट, या कल ही आ जाएगा, या IBPS क्लर्क से पहले आ जाएगा. आने को कभी भी आ सकता है. तो हमें अब उसकी चिंता छोड़ के, क्योंकि जितनी बार हम बार बार सोचेंगे हमारे मन के ऊपर प्रेशर ही आएगा, तो सही चीज तो यह है कि आने वाले एग्जाम पे कंसंट्रेट करें, उन एग्जाम्स को दें, और ये जो डिले ज्वाइनिंग है, डिले रिजल्ट है, ये शायद इस साल का डेस्टिनी ही है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा. अभी आप देख लेंगे सारे एग्जाम डिलेड ही चल रहे हैं, और बड़ी मुश्किल से कोई एग्जाम कंप्लीट होता है, फिर कोई नई समस्या आ जाती है. अभी 5 तारीख को लेके काफी कैंडिडेट बेचारे परेशान है, कहीं पे बंद है, कहीं पे रास्ते बंद है, कहीं पे कुछ और प्रॉब्लम है. अब जो भी है, हमें इन सब चीजों को झेलना है और आगे बढ़ना है.
God bless you all.